हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आई एम बाइक ओली। सो आज मैं डोमिनर 400 का छोटा सा राइड लेने के लिए आज निकला हूँ और बाइक ये यहाँ पे खड़ी हुई है मेरे पीछे और ये बिल्कुल न्यू बाइक है तो उसका बस मैं आज छोटा सा टेस्ट राइड लेने के लिए निकला हूँ। तो टेस्ट लेने से पहले मैं एक बार इसका आपको थोड़ा सा लुक अराउंड दे देता हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं एक छोटे से टेस्ट राइड पे और मैं बताता हूँ इसका एक्सपीरियंस क्या है इस बाइक में नया है और कैसी बाइक चलाने में, ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको लुक अराउंड दे रहा हूँ आप वीडियो में। तो बाइक चलाने से पहले इससे पहले मैं आपको इसी एग्जॉस्ट से आवाज़ सुना देता हूँ। तो बाइक को चलाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ कि जो इसका सीटिंग पोस्चर है काफ़ी सही है, काफ़ी मतलब सही मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब अगर हम बैठते हैं तो हमारी जो बैक है एकदम स्ट्रेट रहती है एंड जो उसकी हाइट है वो भी ठीक है। मेरी अगर 5'10" हाइट है और मैं पैर इजीली नीचे ही इसमें रख पा रहा हूँ। और इस बाइक में जो न्यू है वो ये है, इसमें गियर इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पे भी और इधर नीचे की तरफ भी। और ये बाइक बिल्कुल अभी न्यू है, ऑलमोस्ट 256 किलोमीटर अभी तक चली, इवन 500 भी नहीं चली इसकी, अभी तक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। तो और इसमें ये साइड मिरर थोड़ा इसका लुक थोड़ा अच्छा दिया हुआ है पहले वाली डोमिनर से। और इसमें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें क्या न्यू है। इसके जो सस्पेंशन है अपसाइड डाउन दिए हुए, मतलब कि जो पुरानी वाली डोमिनर है इसका ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे की तरफ है, तो इसमें इसका ऑपोजिट क्या हुआ अपसाइड डाउन दिया हुआ है। और इसमें जो है साइलेंसर डबल दिया हुआ है, उसकी वजह से इसकी एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा सा चेंज है पहले वाली डोमिनर से, थोड़ी सी हैवी आवाज़ है पहले वाली डोमिनर से इसकी। और इसकी जो पावर है 39 BHP इसकी पावर है, मतलब जो पहले वाली डोमिनर है उसमें 36 है। चलो इस बाइक को भी चलाते हैं। थोड़ा सा इस बाइक को थोड़ा रोड पे लेकर निकलते हैं और चलाता हूँ उसको। सो इस बाइक को लेकर निकला हूँ मैं रोड पे एंड सो चलाते हैं। अब सबसे पहले से हम चेक करेंगे इसका गियर, मतलब हमने अभी न्यूट्रल में और हमने फर्स्ट गियर डाला, तो इसमें यह है कि जो पहले वाली डोमिनर है उसमें भी थोड़ा गियर जब फर्स्ट गियर डालते हैं तो उसमें साउंड आता था। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो, एक सेकंड। तो ये इस बजाज का ही मतलब पहले से एक थोड़ा छोटा सा इशू है कि अगर हम बाइक में गियर डालते हैं तो उसका आवाज़ आती है। जैसे एक बार फिर से दिखाता हूँ तो कावासाकी में ये चीज़ अच्छी है कि उसमें गियर जब डालते हैं तो उसमें इतनी आवाज़ नहीं आती, बट इसमें इतनी आवाज़ आती है। चलो फिर चलाते हैं उसको। सेकंड गियर में भी आवाज़ आई, थर्ड में इतनी नहीं आई। बाइक को फास्ट नहीं चला सकता मैं, मैक्स टू मैक्स 60 तक चला सकता हूँ, बस 60 से ऊपर नहीं ले जा सकता वो, बिकॉज इसका अभी तक जो इंजन है वो रामा नहीं हुआ है, मतलब इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इस वजह से। सच कहूँ तो बाइक चलने में काफ़ी स्मूथ है, कंफर्टेबल है,
और पावरफुल भी है जिस हिसाब से इसका पिकअप है, काफ़ी अच्छा पिकअप है। सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, एग्रेसिव नहीं है, मतलब टूरिंग पर्पज़ के लिए तो सबसे बेस्ट है। और जो उसका क्लच है स्लीपर क्लच है, और उसका क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है, प्रेस करने में भी स्मूथ है, और जब गियर शिफ्ट करते हैं तब भी स्मूथ है, मतलब बहुत इजीली। वैसे न्यू बाइक है तो इस वजह से मैं इसको फास्ट नहीं चला सकता, ऑल्सो मैं इसको मतलब ज़्यादा थ्रॉटल भी नहीं कर सकता इसका, मतलब पिकअप ज़्यादा रेस नहीं दे सकता, एक्सीलरेट नहीं कर सकता इस बाइक को मैं ज़्यादा भी। अच्छा, इसका गियर इंडिकेटर इधर भी है, इधर भी दिखा रहा है, फिफ्थ गियर में है एंड इधर भी। बाइक चलने में सही है, अच्छी बाइक है। एंड इस बाइक का जो प्राइस है आज की डेट में दिल्ली में वो है 2.35 लाख ऑन रोड दिल्ली में। एंड ये ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा कलर लगा मेरे को, मतलब एक आता है इसमें ब्लैक, मैट ब्लैक, मतलब हाँ वो मैट ब्लैक ही होता है, और रेड, तो इन तीनों कलर में से मेरे को सबसे अच्छा कलर जो इसका लगा वो है ये ग्रीन कलर। एंड टाइम हो रहा है अभी 5:33 इवनिंग में, और आज तारीख है 11 सितंबर 2020। मन तो कर रहा है इसको एकदम काफ़ी मतलब एकदम भगा दूँ, बट इसको तेज नहीं चला सकता मैं, और ब्रेक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। बाकी एक बार मैं जब एक बार रुकेंगे घर पे तो ब्रेक इसके बारे में और थोड़ा अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मन नहीं कर रहा घर जाने का, बट मेरा थोड़ा अभी ऑफिस का काम है तो उस वजह से मेरे को जल्दी घर जाना होगा, वरना मन तो कर रहा थोड़ा सा और इस बाइक को अच्छी तरह से चलाऊँ, बट अभी थोड़े जल्दबाजी में नहीं चला पाऊँगा इतने जल्द, तो इसलिए छोटा सा एक और राउंड लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं घर और इसका छोटा सा एक और वीडियो बनाते हैं। अभी मेरे को घर भी इसलिए जाना है बिकॉज अभी मेरा थोड़ा ऑफिस का काम है, एक मीटिंग है 6 बजे, तो वो मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो बस इसी वजह से थोड़ा फिर से अलर्ट हो गया भाई। ये देखो भाई बिना रेड लाइट ही जम कर दी, बाइक को बंद कर देते हैं, इसके फोटो क्लिक करता हूँ यहाँ से ऐसे, और ऐसे ये रोड भी नया बना है, और नई बाइक चलाने का इसका मजा ही कुछ हो रहा है, एकदम स्मूथ बाइक चल रही है नए रोड पे, और क्या फीलिंग आ रही है, सच बात मज़ा आ रहा है उस बाइक को चलाने में। यहाँ से लेंगे हम यू टर्न खन्ना की रेड लाइट से, खन्ना बोले तो आर के खन्ना, ओ उधर मामू खड़े हैं, मामू लोग, मेरे पास तो उसके पेपर अभी नहीं है, तो एक काम करते हैं सीधा निकल लेते हैं चल। अरे 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 भाई साहब, सीधा निकल लेता हूँ, उधर मामू खड़े थे ना तो इस वजह से मैं सीधा निकल लेता हूँ, आगे से लेफ्ट जाके घूम के अपने घर चले जाऊँगा। वैसे पुलिस वालों से मेरे को डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पेपर इसके पूरे हैं, वो पता लगे घर पे हैं, मैं भी नहीं लाया, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट द थिंग इज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पुलिस वालों से इतनी बहसबाजी करूँ, उतना
टाइम वेस्ट करूँ उनके साथ, उन्हें सारी जांच पड़ताल मतलब पेपर वगैरह सब कुछ मांगेंगे वो, तो इस वजह से मैं वहाँ से सीधा निकल गया, यू टर्न नहीं लिया मैंने क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले थे, ट्रैफिक पुलिस। इसकी सीट हल्की सी हार्ड है, थोड़ी सी और सॉफ्ट होती ना मज़ा आ जाता। अरे अरे, फ्रंट सीट जो है टूरिंग पर्पज़ से ठीक है बट हल्की सी हार्ड है, अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होती और कंफर्टेबल होती बाइक। स्मूथ चल रही है भाई, मजा आ रहा सच में। अभी बाइक चलाते चलाते थोड़ी सी हीट कर रही है बाइक, साइड में से हीट जो है मेरे को पैरों में लग रही है बाइक की। हाँ, अगर इधर की तरफ देखें तो हीट आ रही है बाइक की बाहर की तरफ, और इस साइड भी मतलब लेफ्ट में थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को। ऑब्वियसली वैसे हीट होनी है अगर इतना बड़ा इंजन है तो उस बाइक का। तो घर पर पहुंचने के बाद मैंने बाइक यहाँ पर पार्क कर दी है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ। बात कर रहा था मैं इसकी सीट की, थोड़ी सी हार्ड है इसकी सीट, और पिलियन सीट भी और राइडर सीट भी सेम है, और यहाँ पे छोटा सा एक डोमिनर का लोगो दिया हुआ है सीट पर, और एक ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा कलर है, मतलब रात में क्या लगता है बाइक अच्छी चमकती है। और इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो बायोवर के ब्रेक्स दी हुई है और ABS है। और फ्रंट में जो जो ब्रेक है बायोवर की है, और पीछे भी बायोवर की ही ब्रेक है, पीछे भी ABS है मतलब ड्यूल चैनल ABS है। और टायर की साइज की बात करें, इसमें फ्रंट में है 110 साइज का टायर है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ यहाँ पे लिखा भी होगा, ये इधर की तरफ लिखा हुआ है 110 70 17। तो इसका फ्रंट टायर का ये साइज इसमें दिख नहीं रहा होगा कोई अंधेरे की वजह से। और इस पीछे के टायर के साइज का मैं बताऊँ तो 150 बताया था, हाँ ये लिखा है इसमें 150 और 60 17। तो ये इसका पीछे का टायर का साइज़ है। बाकी ग्राफिटी वर्क में ज़्यादा कुछ नहीं दिया पुराने और डोमिनर में, और इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है पुराने डोमिनर और ये वाली। तो कुछ फ्रंट से इस तरह का लुक है बाइक का मेरे पास। लाइट ऑन कर देता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ इसका मतलब। और
एक बार और देख लो थोड़ा अच्छे तरीके से। काफी वही DTSI का लोगो, फर्स्ट ऑफ वैली फैन कुछ इस तरीके से। तो कुछ यही है न्यू डोमिनर। तो ये है डोमिनर 400 BS6 2020 मॉडल। तो मैं अभी आ गया हूँ अपने घर पे और बाइक की मैं ऑलमोस्ट सब कुछ डिटेल दे चुका हूँ, उसके पावर, उसके कंफर्ट्स और उसके जो भी डिटेल्स है उसका प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आज के डेट में दिल्ली में है 2.35 लाख। और फिर भी अगर मेरी तरफ से कुछ रह गया या अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो फिर भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर इस वीडियो को मैं करता हूँ आज यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।